सूना है और कैबिनेट भी सूनी है ट्रॉफी के बिना। सरी भाई मेरे साथ है और ये फैंस इंडिया, सारे इंडिया के फैंस, एडिलेड के क्रिकेट फैंस, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल से ठीक पहले समंदर के बीच हमने कहा एक खास शो आपके लिए लेकर आए। और जैसे सनी भाई समंदर का होता है ना कि जब आप बीच में हो आपको पता नहीं लगता कि मंजिल क्या है, इस इंडियन टीम को तो पता है ना मंजिल क्या है। बिल्कुल, और इसी की वजह से तो वो 18 दिन पहले आए थे यहाँ पे, क्योंकि अभ्यास करने के लिए कंडीशन जो होती है, टाइम क्लॉक होता है, मतलब बॉडी का क्लॉक होता है, टाइम डिफरेंस को एडजस्ट होने के लिए आए थे 18 दिन पहले। इतनी बढ़िया प्रिपरेशन की है इस इंडियन टीम ने, और जिस तरह से उन्होंने वापसी भी की है, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बॉल की जीत, बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश एकदम बड़ी मजबूत स्थिति में था, पर फिर भी उन्होंने कभी गिव अप ही नहीं किया। और इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि जो भी हो, एक ही मैच हार गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बाकी सारी मैचेस जीत गए। तो जिस तरह की प्रिपरेशन है, जिस तरह से, जिस अंदाज से खेल रहे हैं, जिस जिद से खेल रहे हैं, मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि इस बार 15 साल के इंतजार के बाद ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत आएगी। इसी नाम सनी भाई के नाम पर हो जाए फिर कुछ। सनी भाई ने कहा 15 साल बाद ट्रॉफी आ रही है। कैलेप्सो के बाद ये गाना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये तो सब क्या चाहते हैं आप, कि जब आपकी क्रिकेट खत्म होती तो उसके बाद में लोग आपको वही प्यार दे जब आप जो खेलते थे तब। और ये जो है ये तो बच्चे है, जब मैंने रिटायर किया तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी पैदा हुआ नहीं था उस वक्त, फिर भी जिस तरह का प्यार दिखा रहे वो गाना बनाकर, तो उससे मैं और क्या मांग सकता हूँ। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी मैच होता है ये ग्रुप सारा का सारा जाता है, इसी तरह जाता है, और इसी तरह ये भारत की टीम को चीयर करते हैं, तो मुझे लगता है तालियां इन सबके लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल ये तो मैं कहता कि भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य है कि भारतीय क्रिकेट के इतने सारे फैंस हैं कि कहीं भी जाते हैं, किसी भी मैदान पर, किसी भी मतलब देश में जाते हैं, तो ये इनका जो सपोर्ट होता है उससे देखिए टीम का तो लिफ्टअप होता है ना, कि अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पे इन्हों परदेश का सपोर्ट के बदले हमारा ही सपोर्ट मिलता है, तो प्लेयर भी सोचते कि इनको इनके मुंह पर हमने स्माइल ले आना है, और उस अंदाज से भी खेल लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ आप लोगों के बीच, ये राजुल ये फैंस इंडिया कहाँ से शुरू हुआ? सर फैंस इंडिया हमने 2019 में स्टार्ट किया था। काफी सारे ग्रुप्स हैं जो क्रिकेट से लेते हैं, तो हमारी मेन जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि क्रिकेट को वापस दिया जाए। नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है, एडलेट से स्टार्ट हुआ था, और अब हमारे पास 20-25 हजार के करीब मेंबर्स हैं, 450 के करीब मेंबर्स हमारे ट्रेवल कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में अभी फिलहाल, और हम हर मैच में पहुंचते हैं, चाहे वो इंडिया हो, यहाँ पर ओवरसीज में हो। और आपने तो देखा होगा 2018 के बाद से फैंस इंडिया ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है आपको, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, इंडिया में, और अब हमारे नेक्स्ट जो मेन गढ़ है जहाँ जाना है हमें वो है कैरेबियन इसके बाद। अच्छा, आपको आप लोगों को क्रिकेट का कैसे शौक हुआ? बिकॉज इनका तो चलिए मैं समझता हूँ, नौकरी की और क्रिकेट उसके बाद, पर आप लोग सब कैसे फंस गए? मेरे पापा एक्चुअली क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, और पहले से ही बहुत कम उम्र से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, तो मैं लाइक सिर्फ क्रिकेट देखती हूँ, समझती भी हूँ, और जब से एक टेस्ट क्रिकेट पहले ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, और पापा मुझे सारे रूल्स भी समझाते थे। हमेशा क्या होता है ना, सेमीफाइनल है, एक बैरियर इंडिया के लिए होता है, इस बैरियर को तोड़े बड़ी देर हो गई है। Definitely we are going there to support India, और इंडिया को जीतना है ऑब्वियसली, सो और ट्रॉफी भी लेके जाए मेहनत से प्रॉपर, जैसे चल रहे हैं इंडियन टीम अभी तक, उससे डेफिनेटली हमें लगता है कि इंडियन टीम ही ट्रॉफी लेकर आएगी। इंडिया जीतेगा, जीतेगा इंडिया, वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया, यहाँ इंडिया जीतेगा। जीतेगा इंडिया, वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया, यहाँ इंडिया जीतेगा, जीतेगा इंडिया, वर्ल्ड कप जीतेगा यहाँ। मजेदार। बैरियर की बात हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने हमेशा बैरियर तोड़े हैं, 2018 में फिर दोबारा से बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीती है, तो लगता है कि इस बार फिर से बैरियर टूटेगा, और ये जो सेमीफाइनल में हम चोक कर जाते हैं
वो चोक वोक नहीं होगा, फाइनल में ट्रॉफी उठाएंगे। बैरियर की जगह टीम इंडिया माइलस्टोन बनाएगी हैंडेड ओवर। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, ट्रॉफी कब लाओगे, ट्रॉफी कब लाओगे, बोलो कब लाओगे ट्रॉफी। ये दिन सुना सुना है वो, कोहली पर एक गाना होना चाहिए बिकॉज विराट हैज बीन आउटस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड कप। यस, विराट एंड सूर्य कुमार बोथ हैव बीन आउटस्टैंडिंग एंड हियर इज अ सॉन्ग फॉर विराट। विराट कोहली, विराट कोहली, आई जस्ट स्टॉप किंग यू वन डे, जिसने सबकी इमेजिनेशन छीनी हो इस इंडियन टीम में। सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल रिलैक्स है लेकिन। हाँ बिल्कुल, वैसा है उन्हीं का खेल ही वैसा है ना, एकदम रिलैक्स, मतलब जाते हैं ऐसा कभी नहीं लगता कि वो प्रेशर में खेल रहे हैं, हमेशा लगता है कि वो एकदम कंट्रोल में है सिचुएशन के। सूर्य कुमार यादव के लिए आपने पास कुछ ने आग लगाई, आग लगी पिच पे तो बोलर्स को नदिया लाई, सूर्य ने मारे तो टीम इंडिया हुई नंबर वन, अब ट्रॉफी उठाएंगे हम, अब क्या करे। स्केयर हो गया था जब रोहित को कल गेंद लगा उनको नेट्स में, उसके बाद उन्होंने आइस पैक लगाया, फिर दोबारा जब बैटिंग करने आए तब थोड़ा सा रिलीफ हुआ, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हाँ मैं फिट हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए कप्तान तो अगर जब फिट होता है, कप्तान भले अब जो फॉर्म हमने उनसे देखा है पिछले कुछ सालों में, अगर वो फॉर्म यहाँ पे हमने देखा नहीं है, पर यही आशा करते कि जो मैचेस मैटर करते हैं आखिरी मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल में, वो अपना करिश्मा दिखाएंगे। 2011 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ बिल्कुल, और दनादन दनादन करके दनादन दनादन भाई रोहित शर्मा पे कुछ हो जाए यार। कैप्टन रोहित, आई जस्ट डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, ही स्कोर मेनी रन्स, वी गॉट कैप्टन रोहित। है अर्शदीप अभी अभी आया है, और अर्शदीप के लिए तो यार मतलब कोई पंजाबी भंगड़ा डांस कोई गाना हो, और मैं सनी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि सनी भाई भी अगर हमें ज्वाइन कर पाए। अर्शदीप पे एक गाना बन रहा था, मैं कहा बल्ले बल्ले शावा शावा कुछ हो जाए तो शुरू किया जाए कुछ। शेरा दी कौम पंजाबी, शेरा दी कौम पंजाबी, ना 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 ना, सनी भाई को मैं लेके आया हूं। शेरा दी कौम पंजाबी, ना 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 ना, शेरा दी कौम पंजाबी, ना 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 ना, शेरा दी कौम पंजाबी। अर्शदीप ने बड़ी जबरदस्त लेकिन बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि जब आखिरी ओवर होते हैं, जब गेंद नहीं होती तो दोनों तरफ से स्विंग करते, बल्लेबाज को जिस तरह से सेटअप करते, पहले दो तीन बाहर की गेंद डालेंगे, फिर अंदर गेंद लेकर आउट करेंगे, बाउंसर बड़ी अच्छी इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक सरप्राइज वेपन होता है उनका जब बाउंसर बॉलिंग करते हैं, और आखिरी ओवर में जिस तरह की वो यॉर्कर डालते हैं बहुत ही अप्रतिम। हमने देखा है आईपीएल में
पर कभी कभी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा फर्क होता है, पर जिस तरह से उन्होंने उसको मात करके जो मतलब आगे कदम बढ़ाया बहुत अच्छा लग रहा है। और उनकी जो एक स्माइल है ना, ओहो, मैं तो उनके स्माइल पर सबसे पागल वो था और इनकी स्माइल।